हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले के वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान शिरन वांग जी और वेंग को साथ में देख लेता है, और वांग जी अपने अंकल के सामने वेंग के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेता है। वेंग यूनमेंग वापस चला गया था। न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस स्टार्ट हो गई थी। वांग जी ने खुद को घर की साफ़ सफाई में बिज़ी कर लिया था। वो पिछले 2 हफ्ते से घर पर ही था। उसने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के 1 हफ्ते पहले ही अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। इस बीच में वांग जी और उसके अंकल के बीच में यूनिवर्सिटी को लेकर कोई भी बात नहीं हुई थी, और ना ही वेंग को लेकर। वांग जी ने सोचा था कि वो न्यू ईयर के बाद ही अपने अंकल से इस मैटर पर बात करेगा। वांग जी के ग्रैंडफादर काफ़ी बीमार थे, इसलिए लान शिरन उनकी सेवा में बिज़ी था। न्यू ईयर की शाम थी। वेंग वांग जी को मैसेज करता है। वांग जी टेबल के नीचे फ़ोन करके वेंग को मैसेज करता है कि मैं तुमसे अभी थोड़ी देर में बात करूँगा, क्योंकि उसके अंकल उसे घूर घूर कर देख रहे थे। घर वापस आकर वांग जी अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे जियांग यानली की काफ़ी फ़ोटोज़ दिखाई देती हैं। वेंग का मैसेज आता है कि वांग जी, मैंने जिए जिए को हमारे बारे में सब बता दिया है और वह तुमसे मिलना चाहती हैं। वांग जी भी वेंग की बहन से मिलना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि आने वाली गर्मी की छुट्टियों में उसे अपने अंकल से यूनमेंग जाने की परमिशन मिल जाएगी, और उसे ये लग रहा था कि शायद वो अपने ग्रैंडफादर को भी देखने जाए। वेंग वांग जी को मैसेज करता है कि वांग जी, आई लव यू एंड आई मिस यू। वांग जी अपने फ़ोन की स्क्रीन को बहुत सॉफ्टली टच कर रहा था। पास में ही उसके अंकल लान शिचेन से फ़ोन पर बात कर रहे थे, पर हुआ ये कि लान शिचेन ने वांग जी को फ़ोन देने के बजाय कॉल कट कर दी। वांग जी समझ नहीं पाया कि उसके अंकल ने ऐसा क्यों किया। लान शिरन वांग जी से कहता है कि वांग जी सो जाओ जाकर, कल हमें सुबह 8 बजे निकलना है। वांग जी ये सुनकर अपने रूम में चला जाता है। वो अपने भाई को मैसेज करके न्यू ईयर विश करता है, पर लान शिरन का कोई रिप्लाई नहीं आया था। ये देखकर वांग जी सोचता है कि शायद उसका भाई बिज़ी होगा, इसीलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। अगली सुबह 8 बजे वांग जी तैयार होकर कार में बैठा था और अपने अंकल का वेट कर रहा था। लान शिचेन कार में एक बड़ा सा बैग पीछे रख देता है और फिर वांग जी के बगल में बैठ जाता है। वांग जी अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था ये देखने के लिए कि वो सुबह की कौन सी फ़ोटो वेंग को भेजे। उसे पता था कि वेंग अभी उठा नहीं होगा, वो अभी भी सो ही रहा होगा, पर वो जानता था कि वेंग की सुबह एक खूबसूरत सी फ़ोटो के साथ हो। वांग जी कार की विंडो से बाहर की ओर देख रहा था। उसे पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि वो तो अपने ग्रैंडफादर की तरफ जा ही नहीं रहे थे। वो अपने अंकल से कहता है कि अंकल, क्या हम ग्रैंडफादर को देखने नहीं जा रहे? लान शिरन बिना उसकी तरफ देखे कहता है कि नहीं, आज तुम अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिलोगे। वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी उसके दिल में। वो सोचता है कि क्या उसके ग्रैंडफादर ज़्यादा बीमार हैं। लान शिरन बस उससे इतना कहता है कि ग्रैंडफादर ठीक हैं। ये सुनते ही वांग जी को अजीब सी घबराहट हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद कुछ गलत हो रहा है। वो अपने अंकल से पूछता है कि फिर हम कहाँ जा रहे हैं। लान शिरन वांग जी से कहता है कि एयरपोर्ट। वांग जी कहता है, क्या एयरपोर्ट? लान शिरन कहता है, हाँ, जो कि तुम्हारी फ़्लाइट है। वांग जी शॉक्ड हो गया था। वो कहता है कि अंकल, ये सब आप क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। लान शिरन उसकी तरफ नहीं देख रहा था, और वो वांग जी से कहता है कि तुम अपने भाई के पास लंदन जा रहे हो, तुम वहाँ की एकेडमी ज्वाइन करोगे और नेक्स्ट वीक से तुम्हारी क्लासेस हैं। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब उसके अंकल करेंगे।
उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी सही से। वो कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? लहान शिरन वांगजी से कहता है कि तुम अपने भाई के साथ ही रहोगे और तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो वो कहेगा। वो वांगजी से कहता है कि तुम अपनी सेकेंडरी स्टडीज़ लंदन एकेडमी से कंप्लीट करोगे और अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई किंग कॉलेज से करोगे। वो वांगजी से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मास्टर्स की पढ़ाई एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से करोगे। वांगजी शॉक्ड था। वो कहता है, नहीं अंकल, मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनते ही लाल शिरन उसकी ओर मुड़ता है और वांगजी से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ना बोल रहे हो? तुम क्या सब कुछ भूल गए हो? वांगजी अपने अंकल से कहता है, अंकल प्लीज़, मैं लंदन नहीं जाना चाहता, मैं यहीं इसी एकेडमी में खुश हूँ, मैं अभी भी अपनी क्लास में टॉप पर हूँ। लान शिरन उससे कहता है कि तुम्हारी कोई बात इस डिसीजन को नहीं बदल सकती, तुमको लंदन जाना ही होगा। वो वांगजी से कहता है, लेकिन तुमने अपना डिसिप्लिन खो दिया है, तुम बदल गए हो वांगजी, तुम अपने भाई के साथ रहकर वो सब फिर से पा सकोगे, क्योंकि अब तुम मेरी बात तो सुनते नहीं हो बिल्कुल भी, मैं तो तुम्हें जो कहता हूँ वो तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। वांगजी अपने अंकल से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, अंकल मुझे पता है कि मैंने आपके रिस्पेक्ट नहीं करी, आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं करी, आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज़ मुझे लंदन मत भेजिए। वांगजी की आवाज़ अटक सी गई थी, उसकी सांसें भारी हो गई थी, उसे लग रहा था जैसे कि वो अभी बेहोश हो जाएगा। वांगजी कहता है कि अंकल, मैं अब तक की सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, इसलिए प्लीज़। लाशी चैन कहता है, चुप रहो तुम। वो काफ़ी गुस्से में था। वो कहता है कि वांगजी, उसी तरह से जैसे तुम 2 हफ्ते पहले चुपचाप बिना बताए अपार्टमेंट से चले गए थे। वांगजी बिल्कुल फ्रीज हो गया था अपनी जगह पर। लान शिरन उससे कहता है कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? तुम्हारे वादों का मैं क्या करूँगा जब तुम उनको पूरा ही नहीं कर सकते हो? ये कहकर लान शिरन अपनी कोट की जेब से एक पैम्पलेट निकालकर वांगजी की तरफ फेंक देता है। वो पैम्पलेट न्यूजीलैंड कंजर्वेटरी का था। वांगजी काफ़ी घबरा जाता है। वो कहता है कि अंकल प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। लाल शिरन गुस्से में वांगजी से कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो, या फिर तुम ये भूल गए कि तुम मेरे और पूरी फैमिली के प्रति किस चीज़ के देनदार हो? वांगजी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, उसे लग रहा था जैसे कि वो कितना बीमार हो गया है। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है कि ये सब वेंग के लिए है। लान शिरन कहता है, वांगजी मैं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद नहीं करने दूंगा, और वो भी एक गलत रिलेशन के लिए जिसकी वजह से तुम अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो। वो वांगजी से कहता है कि तुम लंदन जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती। वांगजी को गुस्सा आ गया था। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, अंकल आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे ज़बरदस्ती लंदन नहीं भेज सकते। लान शिरन कहता है कि वांगजी मैं ऐसा कर सकता हूँ और तुम्हें जाना ही होगा। वांगजी तुम अब डिसाइड नहीं कर सकते अपनी लाइफ के बारे में, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, और तुम्हारा ये इन्फैचुएशन है ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। वांगजी ये सुनते ही रोने लगा था और अपने अंकल से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वे मेरे लिए इन्फैचुएशन नहीं है वो तो। तभी लान शिरन कहता है, वांगजी मुझसे ऐसी टोन में बात मत करो, मैं तुम्हारी इन सब बचकानी हरकतों से पिघलूंगा नहीं, मैंने जो डिसीजन ले लिया है अब वही होगा। वांगजी का अब खुद पर कंट्रोल नहीं था। वो कहता है कि नहीं अंकल। लान शिरन उससे कहता है कि क्या तुम भी अपने फादर की तरह करना चाहते हो? ये सुनकर वांगजी को ऐसा लगा जैसे उसको किसी सांप ने काट लिया हो, उसकी सांसें थम सी गई थी। लान शिरन उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर की तरह गलती नहीं करने दूंगा। वांगजी हल्की हल्की सांसें लेने लगा था, उसका दिल रो रहा था। तभी उसको लगा कि एकदम से कार कहीं जाकर रुक गई। लान शिरन कार से ऑलरेडी निकल चुका था। वो वांगजी से कहता है कि कार से बाहर निकलो, पर वांगजी उसकी एक नहीं सुन रहा था। दोबारा से वो फिर एक बार कहता है कि वांगजी कार से बाहर निकलो। धीरे धीरे वांगजी किसी तरह से कार से बाहर निकलता है और अपने अंकल के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी लान शिरन कहता है कि वांगजी मुझे अपना फ़ोन दो।
वांग जी को समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है, उसके अंकल उससे फ़ोन क्यों मांग रहे हैं, पर वो मजबूर था। वांग जी फ़ोन को जैसे ही बाहर निकालता है, लान शिरन उसे छीन लेता है और उसकी जगह एक नया फ़ोन देता है और साथ ही वांग जी के हाथ में उसका पासपोर्ट रख देता है। उस फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। लान शिरन उससे कहता है कि जब तुम लंदन पहुंचोगे तब लान शिरन इसमें रिचार्ज करवा देगा। वो कहता है कि वांग जी गुड बाय। वांग जी बिल्कुल बेहोशी की हालत में चल रहा था, तभी अचानक से वो अपना पर्स निकालता है, पर वो शॉक्ड था। उसमें ना ही कोई कैश था, ना कोई क्रेडिट कार्ड, ना डेबिट कार्ड, कुछ भी नहीं था। वो अगर घर भी वापस जाना चाहता तो उसको पूरे 3 घंटे लग जाते घर वापस जाने में। वो घर भी नहीं जा सकता था अब तो। वांग जी का सर घूमने लगा था, वो मजबूर था। उसे लग रहा था कि उसके साथ धोखा किया गया है। लान शिचेन को पता था ये सब, फिर भी उसने वांग जी से सब छुपाया। वांग जी न्यू फ़ोन को ओपन करता है, पर वो चौंक जाता है क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट ही नहीं था। वो वेंग के बारे में सोचना लगता है कि अगर वेंग ने कोई उसे मैसेज किया भी होगा तो उसका कोई रिप्लाई तो मिल नहीं पाया होगा उसको। वांग जी अपने वेंग के बारे में सोचता ही जा रहा था। वो प्लेन में बैठा हुआ था और अपने वेंग के ख्यालों में खोया हुआ था। फाइनली 3 बजे वो लंदन पहुँच गया। वांग जी ने प्लेन पर कुछ नहीं खाया था सिवाय एक गिलास पानी के। उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो अपने भाई से कुछ कह सके। वांग जी ने अपने भाई को वेलकम बैक भी नहीं किया। उससे अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था। लान शिचेन उससे कहता है, आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कांपते हुए हाथों से अपने बैग को पकड़े हुए था और लान शिचेन से कहता है कि आपको पता था भाई, आप मुझे बता सकते थे ना। लान शिचेन उदास होकर कहता है, अगर मैं तुमको बता भी देता तो तुम क्या करते, तुम लड़ते अंकल से या भाग जाते घर से। वांग जी कुछ भी नहीं बोल पाया। वो सोचता है कि कम से कम वो बहस कर सकता था अंकल से, या फिर वो कार में ही ना बैठता। लान शिचेन कहता है कि वांग जी तुमको अच्छे से पता है कि अंकल जल्दी किसी की बात नहीं सुनते और वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। लेकिन वांग जी तुम्हें समझना चाहिए कि अंकल तुम्हारी भलाई चाहते हैं, वो कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते। वांग जी ना मैं अपना सर हिलाता है और अपने भाई से कहता है कि मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आप कभी समझोगे ही नहीं। वो कहता है कि वेंग मेरा दोस्त नहीं है, वो तो पर वांग जी अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाया। वो काफ़ी थका हुआ था। लान शिचेन शॉक्ड था वांग जी को ऐसे देखकर। वो अपना हाथ वांग जी के कंधे पर रख देता है और वांग जी से कहता है, आई एम सो सॉरी वांग जी, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, अभी तुम सो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फाइनली वो दोनों लान शिचेन के अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। वो वांग जी से कहता है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। वांग जी कोई जवाब नहीं देता। उसके ब्रदर के जाने के बाद वांग जी बेड पर लेट जाता है। वो सोचता है कि युनमेंग में आधी रात हो रही होगी अभी। वांग जी को पता था कि वेंग दिन भर से कोशिश कर रहा होगा उससे बात करने की। ये सोचते ही वांग जी का हार्ट पेन करने लगता है। वो सोचता है कि उसे किसी तरह से वेंग से बात करनी होगी, लेकिन वो वेंग को कैसे समझाएगा कि वो लंदन में क्यों है और अब वो जल्दी वापस क्यों नहीं आ पाएगा। इसी तरह से वो वेंग के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। 3 घंटे बाद वांग जी की नींद अपने आप खुल जाती है। लान शिचेन उसके लिए एक ट्रे में सूप लाया था। वांग जी किसी तरह से उस सूप को स्वॉलो करता है। लान शिचेन किचन में था। वांग जी उससे कहता है कि भाई मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। लान शिचेन कहता है कि मुझे पता है कि तुम वापस जाना चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल भी है। वांग जी कहता है क्यों। लान शिचेन कहता है क्योंकि अंकल ने डिसाइड किया है कि अब तुम वहाँ किसी से भी बात नहीं करोगे। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है जैसे ही मेरा फ़ोन एक्टिवेट होगा मैं अपनी ईमेल ओपन कर लूँगा। लान शिचेन कहता है कि मुझे ऑर्डर दिया गया है तुम पर नज़र रखने के लिए। वांग जी कहता है अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अंकल की क्यों हेल्प कर रहे हो। वांग जी बहुत दुखी था। वो कहता है कि आपको तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना।
वांग जी चिल्लाना चाह रहा था अपने भाई के ऊपर। लान शिचेन वांग जी को समझाने की कोशिश करता है, पर वांग जी कहता है कि मैं उतने दिन के लिए वेट नहीं कर सकता, मुझे बस अभी घर जाना है, मेरे लिए अभी घर जाना ज़रूरी है, मुझे अपनी वेंग से बात करनी है। लान शिचेन को यकीन नहीं हो रहा था वांग जी को ऐसे देखकर, क्योंकि आज तक कभी उसने ऐसा किया ही नहीं था। वांग जी ने हमेशा ही उसकी और अंकल की बात मानी थी, कभी उसको नकारा नहीं था, लेकिन उससे वांग जी की तकलीफ भी नहीं देखी जा रही थी। वो सोचता है कि अभी किसी तरह से उसको वांग जी को समझाना होगा। लान शिचेन वांग जी से कहता है कि ठीक है, आज तुम मेरे साथ चलो, थोड़ा बहुत काम निपटा लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि कल मैं अंकल से ज़रूर बात करूँगा इस मैटर पर। वांग जी चाहता था कि वो अपने भाई से बहस करे, क्योंकि वो चाहता था कि लान शिचेन उसी समय अंकल से बात करे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि उसका भाई अपना माइंड चेंज कर ले, क्योंकि अभी उसकी एक उम्मीद सिर्फ उसका भाई ही था। इसलिए वांग जी हाँ कर देता है। वो वेंग के बारे में सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द उससे बात करनी है, उससे मिलना है, उसे सब समझाना है। सो गाइस, क्या आपको लगता है कि लान शिचेन उनके अंकल से बात करेगा और वांग जी की हेल्प करेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। Till then, take care and bye-bye.